गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ काफी दिनों बाद, क्योंकि यहाँ पे मौका ही नहीं मिल रहा था मेरे को। और आज हमारी है विजिट यहाँ से जलंधर, जो कि है यहाँ से पता नहीं कितना किलोमीटर है, वो मेरे को इतना एस्टिमेट पूरा पता नहीं है, पर 100 किलोमीटर है, 100 से कम ही होगा। तो हमारे साथ जा रहे हैं मनीष जी, 80 है, तो ये हमारे साथ जा रहे हैं एक मनीष, पीछे आ रहे हैं मुस्तफ़ा, आखिर पीछे अनिश भैया आ रहे हैं, सभी जा रहे हैं, मतलब क्लास के लगभग सारे बच्चे जा रहे हैं। तो बाहर गाड़ी वगैरह आ गई है, तो तभी हम रेडी होकर आ गए। सुबह तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी जल्दी मैं आप सीधा एक ही बार अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, निकलते हैं आगे, आपको बताते हैं कौन सा हॉस्पिटल है, वो आपको रास्ते में बताऊंगा मैं। ये देखो हमारे मनाजल भैया जी कैसे उदास होकर बैठे हैं। मनाजल जी क्या हो गया आपको? गर्लफ्रेंड रुष्ट हो गई है। ओ माय गॉड, लिसन माय प्रेल। आ जा, चले अंदर, चलो उठ ना, क्या हो गया तेरे को, कितना उदास होकर बैठा तू है? छोड़ यार, गोली मार आती जाती रहती है। हाँ आती जाती रहती है यार, बथेरी आएंगी। तो गाइस ये रही आगे गाड़ी, शायद ये जाएगी या वो बड़ी वाली जाएगी, दोनों में से एक जाएगी। क्या कोई और भी जा सकती है वैसे, कोई पका पता नहीं है हमें। काफ़ी लड़के अभी तक तो यूनिफॉर्म वाले हम ही हैं, बाकी वाला कोई दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। आज काफ़ी दिनों बाद अच्छी हवा चल रही है और बालों की बुरी हालत हो चुकी है। हनी जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, काफ़ी लड़के आ चुके हैं और बसेस तो आगे चली गई हैं यार, पता नहीं क्या चक्कर है, देखते हैं जैसा भी होगा। तो भाई फाइनली सत्यम जी भी आ चुके हैं। सत्यम जी कहाँ जा रहे हैं हम बता सकते हो आप? जलंधर क्यों जा रहे हैं? हॉस्पिटल घूमने। घूमने मतलब देखने। अच्छा अच्छा देखने, क्या नाम है हॉस्पिटल का? PIMS। थोड़ा जोर से बोलो भैया, PIMS जलंधर। ठीक है सर, मनाजल जी आप कहना कहना चाहोगे कल आज के लिए? मज़ा आने वाला है? हाँ मज़ा आने वाला है। पक्का पैसा वसूल होगा? हाँ, अगर नहीं होगा तो हो जाएगा। फिर ठीक है, तू कुछ कहेगा आखिर? यार क्या ही कहूँगा, आप आगे जाके पता चलेगा कैसे। और मैं इतना ऐसा कहूँगा कि भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वो बाद में कर लो, आप पहले वीडियो देख लो पूरी यार। तो भाई लोग ये देखो आ गई हमारी बस कॉलेज की, अब यहाँ पे बस के आगे लेंगे फ़ोटो वगैरह, इसलिए हमें बाहर बुलाया गया, फिर बैठेंगे बस में और सीधा निकल जाएंगे जलंधर के लिए। सभी के चेहरों में मुस्कान देख सकते हो, ये देख सकते हो मुस्कान, मुस्कुराहट, वाह क्या मुस्कुराहट है। तो भाई बस इतने से बच्चे हैं, ये एक बस के बच्चे हैं और कुछ हमारी क्लास के हैं, और बाकी वाले जो हैं थोड़े बहुत दूसरे ट्रेड के हैं, MLS वगैरह के। तो ये हनीश देखो कैसे देख रहा है कि मैं कहाँ बैठूँगा कहाँ बैठूँगा। हनीश मिली जगह? भाई लोग अभी हम निकल चुके हैं अपने कॉलेज से बाहर, तो ये कुछ अंदर का माहौल है, अंदर बच्चे बैठे हैं, गाने लगे हुए हैं, जोर जोर से कुछ बोल के आवाज़ नहीं आएगी। अभी जा रहे हैं मोगा, मोगा से निकलेंगे जलंधर, ठीक है, और मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है, ओके बाय बाय। अभी तक तो सभी जाग रहे थे, लेकिन ये देखो ये व्यक्ति सो गया था, अभी उठा है, सो गया था। अभी यहाँ पे गाने वगैरह चल रहे हैं गाड़ी में, पहुँचने वाले थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो भाई फाइनली हम यहाँ पहुँच गए, सभी बच्चे उतर भी चुके हैं। ये सामने रहा हॉस्पिटल, यहाँ की विजिट आप देखता हूँ अंदर जो भी होता हुआ, अगर वीडियो बनाना हुई तो बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा, बाकी बाद में दिखाते हैं आपको बाकी का माहौल। अभी चल पड़े सभी अंदर, हम भी चलते हैं आस्ता आस्ता, जोर से नहीं बोलना यार यहाँ पे, ये इतना है, इतने सारे बच्चे हैं, काफ़ी हैं वैसे एक बस में थे। अभी हम आए यहाँ पे म्यूज़ियम में, यहाँ पे दिखाते हैं आपको जो जो हम देखेंगे वही आपको दिखाऊंगा। चलो फिर, पहले तो हम बैठ गए थे यहाँ पे, आके आप फिर से उठा गए हमें, तो चलो उठना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। पता नहीं किसका, ये आगे ये स्केलेटन, बाकी जो जो पता लगेगा वो दिखाता जाऊंगा आपको, स्केलेटन। और यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि जो जो सामान यहाँ पड़ा है वो सब ओरिजिनल है, चलो देखते हैं, मान लेते हैं हम भी। लोग अभी हम आए थे यहाँ पे कैंटीन में, और अभी हमने ये खा लिया, स्टिंग चाय वगैरह पी ली है, भूख तो लगी थी, पर अब स्टिंग वगैरह ही पी के गुजारा कर रहे हैं, देखते हैं आगे जो भी होगा बाद में दिखाएंगे आपको। और यहाँ की कैंटीन कुछ ऐसी, और हमारी तो चलो छोड़ो जैसी भी है, क्या कहना चाहो कैंटीन के लिए? सब्सक्राइब करो और समोसा अच्छा था।
समोसा अच्छा था ना, मुझे भी अच्छा लगा। समोसा ट्राई करो, हम फूड ब्लॉगर्स हैं। मतलब समोसा छोटा भी नहीं था, वो देखो समोसा खा रहा है वो। कैसा समोसा देख रहे हो, रिएक्शन देख रहे हो लड़के का। भाई कॉलेज हम मतलब कैंपस पूरा घूम चुके हैं, अंदर जो जो देखना था वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, जहाँ पे अलाउड था वो मैंने वीडियो शॉट थोड़ी क्लिप्स ले ली हैं, अब बाकी तो अलाउड नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, वो लड़कियाँ जा रही हैं वहाँ पे फोटो शूट करने, हम तो जा रहे हैं भाई बस में, हमारी सामने बस लगी है, बस में जाएंगे आराम से बैठेंगे, शायद कपड़े चेंज करके यूनिफॉर्म उतार के टी शर्ट लगा के अच्छे से फ़ोटो खींचेंगे अगर मौका मिला तो। हाँ बहुत मज़ा आएगा पैनारोमा में। कहाँ गया तू, तेरे को फ्रेम में लाना था, मैं तू भाग गया। चलो फिर फिलहाल तो चलते हैं बस के पास, या पैनारोमा ले लेते पहले ना। हाँ चल रहा है फोटोशूट, ये पीछे रहा जो कैंपस है, हॉस्पिटल भी यही है, कैंपस भी यही है, मतलब ऑल इन वन है ये। और हमारा भारतीय ध्वज लहरा रहा है वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ हनीश जी देखो, हनीश जी कैसे बैठे हैं आराम से। यहाँ से निकल चुके हैं, शोर बहुत है, आवाज पता नहीं आ रही है कि नहीं, तो आगे आपको रास्ते में दिखाते हैं जो भी होगा। वैसे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि धूप भी बहुत है, बाहर निकलने का मन नहीं करता, रोने का मन नहीं करता, तो बाद में मिलते हैं आपसे। तो बच के नहीं गल्ला कर दे बहर ने तंदियां।